नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां राजनांदगांव जिले में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई। बीजेपी ने अमानक खाद बेचने और अवैध उगाही को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान राजनांदगांव पुलिस प्रशासन ने भी कड़ी सुरक्षा कर ली थी। कार्यकर्ताओं को प्यारेलाल चौकी के पास से ही बैरिकेटिंग कर आंदोलन को रोकने में पुलिस सफल रही, जिसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले और नगर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार पटेल कर रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि किसानों को दबाव पूर्वक अमानक गोबर खाद बेची जा रही है, साथ ही अवैध उगाही को तत्काल रोकने की मांग भी की गई। वही बता दें कि प्रदर्शन के दौरान भाजपा आक्रामक तेवर में नजर आई, जिसमें विधानसभा प्रभारी चंदेल खूब चंदेल पारक समेत कई नेता मौजूद आए। वही साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थीं, जिन्होंने जिला कलेक्ट्रेट को प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वही दूसरी खबर छत्तीसगढ़ के आईटीआई की है, जहां पर छत्तीसगढ़ के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई अव्यवस्थित और बुरे दौर से गुजर रही है। जहां सरगुजा में की गई पड़ताल में पाया गया कि तकरीबन हर आईटीआई में छात्र संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। 3 कंप्यूटरों में एक ही समय पर 20 से ज्यादा छात्र ट्रेनिंग लेने के लिए विवश हैं। जी हाँ, इसलिए सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। अंबिकापुर में ही 1964 में शुरू हुई आईटीआई में लगी मशीनें 60 साल पुरानी हैं। इनमें से 40% तो वर्षों पहले से बंद होने के कारण कबाड़ हो गई है। वही 60% चालू है, लेकिन तकनीक अपडेट नहीं है। प्रदेश के तकरीबन सभी आईटीआई के इस हाल को देखते हुए शासन ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक सिबडी के 500 करोड़ रुपए लोन लेने का एक आश्वासन दिया है, जिसके बाद से प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। वही प्रदेश के सभी 190 आईटीआई से उनकी डिमांड भी की गई है, ताकि छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण दिलवाया जा सके। लगभग सभी ने अपनी डिमांड को भेज दी है। तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां बलरामपुर जिले में लगे ग्राम अरागाही नवापारा ने 9 मजदूरों को कर्नाटक के बेंगलुरु में बंधक बना लिया गया था, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। वही पुलिस टीम उन्हें सकुशल छत्तीसगढ़ लेकर आई है, जहां रामनुगंज विधायक बृहस्पत सिंह की पहल पर इन मजदूरों को छुड़ाया गया। सकुशल वापस लौटे मजदूरों और उनके परिजनों ने विधायक और पुलिस टीम को धन्यवाद दिया। वही आपको बता दें कि बेंगलुरु में बंधक बनाए गए मजदूरों ने अपनी लाइव लोकेशन विधायक बृहस्पत सिंह को भेजी थी, जिसके बाद विधायक ने पुलिस को इसकी जानकारी देकर मजदूरों को वापस लाने के लिए कहा था। चौथी खबर में बात घोटाले की, जहां छत्तीसगढ़ के चर्चित 14 साल पुराने इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की दोबारा जांच शुरू होते ही परतें खुलने लग गई हैं। जया बैंक के तत्कालीन मैनेजर सिन्हा ने पुलिस जांच में खुलासा किया है कि इस घोटाले में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की 35 कंपनियां शामिल हैं। इस कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। इनमें से रायपुर की एक कंपनी ने शुक्रवार को बैंक में 28 लाख रुपए जमा भी करवाए हैं। कुछ कंपनियों ने दस्तावेज इकट्ठा करके समय मांगा है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले की फिर से जांच के आदेश दिए थे। उसके बाद उमेश सिन्हा के नार्को टेस्ट की सीडी के आधार पर फिर से जांच शुरू की गई थी। पूछताछ में उमेश सिन्हा ने 35 कंपनियों के इनमें शामिल नाम बताए हैं। वहीं इन कंपनियों के नाम से नीरज जैन ने 20 लाख से 2 करोड़ तक का क्रेडिट लिमिट बनाया है और उस लिमिट के पैसों से भी सभी कंपनियों के नाम शेयर खरीदे। वहीं उन कंपनियों ने शेल कंपनियों से भी फर्जी तरीके से शेयर खरीदे। इन कंपनियों से लेन देन के आधार पर 19 से 20 करोड़ रुपए जानकारी सामने आ रही है। वही छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।